नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू दी कम्युनिकेशन मीडिया एप्टीट्यूड के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत सारे बीजेएमसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे जर्नलिज्म करने वाले हैं या फिर जर्नलिज्म करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मीडिया एप्टीट्यूड के पोर्शन से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज बेसिकली सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ये बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कॉमनिस, और इसको बोला जाता है टू शेयर, राइट। सो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डे टू डे लाइफ में, जिसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो भी चीज़ें हम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। जिसके अब हम बात करें अगर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि कम्युनिकेशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लाइक डिसीजन मेकिंग के लिए भी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिसीजन मेकिंग, लाइक मैं अगर बात करूँ कम्युनिकेशन के लिए, मैं खुद से अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कोई टीवी वगैरह देख रहा हूँ, कोई शो देख रहा हूँ, तो मैं पहले कम्युनिकेट करूँगा कि वेदर आई हैव टू डू दिस थिंग और नॉट। मैं टीवी देखना चाहता हूँ, अगर मैं देखूँ तो क्यों देखूँ। तो इसका भी जो डिसीजन है वो मेरे को लेना है। डिसीजन अगर हम किसी और के साथ भी शेयर कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, सोसाइटी को लेके, हेल्थ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो इन्फॉर्मेशन भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है सोशल नीड्स। सो कम्युनिकेशन सोशल नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों की जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, किसी चीज़ को जागरूक होने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है पर्सुएशन। पर्सुएशन इज बेसिकली पुटिंग इन्फ्लुएंस ऑन अनदर पर्सन, और किसी सोसाइटी में अगर हम पर्सुएशन करते हैं तो देखा जाए बहुत सारे लोग सेम ही चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको उसके इन्फ्लुएंस से आगे उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। तो ये हमारे एक सिविलाइजेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम अगर किसी के साथ अपने थॉट्स को डिस्कस कर रहे हैं, किसी के साथ अपने एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कोई भी टाइप का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर, फादर सन का अगर कोई रिलेशन है, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन होने से उसका बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप भी है कम्युनिकेशन का। उसके बाद आ जाता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के थ्रू हम बहुत सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर अगर हम कोऑपरेशन करके रखें तो इन व्हेन कोई अगर इमरजेंसी आए हमारे पास, तो हम सारे मिलके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक कोई एक प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है, सपोज कोई सुनामी आता है, तो उस टाइम पे सारे के सारे लोग एक साथ कम्युनिकेशन करके, आपस में कोऑपरेशन करके उसके साथ फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोऑपरेशन के थ्रू होती है, किसी बिजनेस के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, या फिर किसी कंट्री के अंदर कोऑपरेशन इज़ वेरी मस्ट। और उसका कम्युनिकेशन का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब देखा जाए तो विदाउट कम्युनिकेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता ना कोई और इंसान सर्वाइव कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी एंटरटेनमेंट। कोई कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव करना ह्यूमन लाइफ के लिए आज की डेट में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये सब थे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। बट इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें जानना जरूरी है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन किस किस कॉम्पोनेंट से बनता है, जिसके लिए सोर्स बहुत ज़रूरी है, मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, राइट। सो सोर्स क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सामने वाले को, मैसेज जो प्रोवाइड करा रहा है वो सोर्स होता है। सोर्स के बाद इंफॉर्मेशन जो हम आगे भेज रहे हैं वो एक मैसेज है। चैनल उसका मीडियम है। मीडियम जैसे कि मैं किसी के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ, किसी के साथ अपनी बातें कर रहा हूँ, तो मेरा जो मीडियम है वहाँ पे एयर है। अगर मैं किसी को कोई लेटर लिख के भेज रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ रिटर्न फॉर्म में, तो वहाँ पे जो चैनल होगा वो एक पेपर होगा। अगर मैं किसी को SMS कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा चैनल होगा वो मेरा इंटरनेट या फिर जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर होगा। उसके बाद अगर हम रिसीवर देखें, रिसीवर कौन है, जो सामने वाला इंसान मैसेज को रिसीव कर रहा हूँ। और फीडबैक कौन देता है, फीडबैक रिसीवर देता है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन और
अलाउड टू पुट कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल होता है दो लोगों के बीच में, राइट। तो दो लोगों के बीच में अगर मैं यहाँ पे हूँ, दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, हम दोनों बीच में अगर कम्युनिकेशन करते हैं, तो मैं क्या हो जाऊँगा, सोर्स हो जाऊँगा यहाँ पे, सोर्स, और हमारा जो मैसेज है एक चैनल के थ्रू गया है यहाँ पे, उसने फिर वो यहाँ पे रिसीव किया, राइट। तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया है। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में इंसान खुद के साथ कम्युनिकेट करता है, लाइक हमारा कुछ डिसीजन मेकिंग है, वेदर आई वांट टू वॉच टीवी और नॉट, दैट इज माय पर्सनल डिसीजन। सो जो मैं खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को लेके परसेप्शंस बना रहा हूँ, किसी के बारे में पहले से कुछ सोच रहा हूँ, तो वो मेरा कम्युनिकेशन है खुद से। उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो कि सेम टाइप ऑफ मेंटेलिटी के लोगों के बीच में होता है, लाइक अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं, तो अगर हम एक सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सबकी मेंटेलिटी सेम है, सबका एक ही मोटिव है, अगर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा, जिसमें मैं सिंगल पर्सन बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पा रहा हूँ, एक ग्रुप के अंदर पहुँचा पा रहा हूँ। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कराना, और ये बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है। एक होता है टू वे कम्युनिकेशन, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे में क्या होता है, जो बंदा जो आगे सामने रिसीव कर रहा है, वो बस उसको रिसीव कर सकता है, उसके लिए कुछ सामने रिप्लाई नहीं कर सकता इंस्टेंटली। इफ सपोज मैं मूवी देख रहा हूँ, मूवी देखते टाइम मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, बट मैं इंस्टेंटली उनको कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं दे सकता, आई हैव टू वॉच मूवी। और अगर मैं रेडियो देख रहा हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ, तो रेडियो सुनते सुनते मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो एक अपना म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो कि मेरे को सुनना पड़ेगा। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन में इंस्टेंटली सामने वाला पर्सन उसको मैसेज को समझता है, उसके बारे में अपने जनरल व्यू दे सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो टू वे कम्युनिकेशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं, फीडबैक का एक प्रोसेस आता है। फीडबैक क्या होता है कि किसी भी इंसान ने अगर आपका मैसेज रिसीव करा है, किसी ग्रुप ने आपका मैसेज रिसीव करा है, तो वो आपको एक फीडबैक प्रोवाइड कराएगा कि मेरे पास ये जो कम्युनिकेट आपने किया है, कम्युनिकेशन अच्छा था, बुरा था, वेदर आई वॉज सेटिस्फाइड विद योर सर्विस और नॉट। अगर हमें देखना है कि अगर हम कम्युनिकेशन में हम दोनों के बीच में क्या बैरियर आया, क्या प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आई, या फिर आपने मेरे को ठीक से समझाया नहीं, तो वो जो एक फीडबैक होगा, उससे सोर्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है अपने चैनल के अंदर, अपने जो मैसेज है उसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सेंड करता है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लासवेल ने बेसिकली एक मॉडल बनाया था कम्युनिकेशन का, कि जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका फाइनल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्या आया, जिसमें उसने बताया कि कम्युनिकेटर अपना मैसेज आगे ट्रांसमिट करता है एक मीडियम के थ्रू। मीडियम यहाँ पे हमारे पास प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो हमारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो एक रिसीवर तक पहुँचता है, और उस रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या वो इन्फ्लुएंस हुआ, या फिर उसके ऊपर क्या मतलब उसका प्रभाव पड़ा उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद। सो लासवेल का बेसिकली जो मॉडल था फोकस करता था पर्सुएशन और इन्फ्लुएंस के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल में इन्होंने नॉइज़ को इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैनन एंड वीवर ने अपने मॉडल के अंदर क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, या फिर नॉइज़ किस मॉडल में आया था, राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने बोला क्या, कि जैसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन को अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने अगर मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन करा, हम एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो हम अपने मोबाइल से इंफॉर्मेशन मतलब हमारे मैसेज को आगे भेजता है, कौन, ट्रांसमीटर जो कि एक डिवाइस होता है हमारे मोबाइल के अंदर, जो सिग्नल के थ्रू, सिग्नल यहाँ पे क्या आ गया, एक मीडियम आ गया, चैनल आ गया, जिसके थ्रू रिसीवर तक पहुँचाता है, रिसीवर उस मैसेज को स्पीकर के लाउड स्पीकर के थ्रू डेस्टिनेशन मतलब हमारे कानों तक पहुंचा देता है, और हम उस इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं जो नए हैं, एक है एनकोडर और एक है डिकोडर। तो एनकोडर इज बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक रीडेबल फॉर्म में, अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि वो मैसेज के अंदर पहुंच के सामने वाले इंसान उसको डिकोड कर सके इजीली। डिकोड मतलब उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल उसका एक
इन्फॉर्मेशन बना सके। सो राइट, सो यहाँ पे क्या था, ट्रांसमीटर अपने इन्फॉर्मेशन को जब दूसरी जगह पहुँचाता है तो वहाँ पे एक नॉइज का इन्होंने कॉन्सेप्ट डाला। नॉइज मतलब वो कुछ भी हो सकता है, अगर सिग्नल हमारे स्ट्रेंथ वीक है, सामने वाले ने अगर ठीक से सुना नहीं तो वो एक नॉइज बोला जाएगा, जहाँ पे नॉइज का कहने का मतलब है लॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। लाइक मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हवा से भी मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, मेरी आवाज़ सामने वाले इंसान तक पूरी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पे जो नॉइज है वो एक तेज हवा है। सेम अगर मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मेरी बात अगर ठीक से कोई सामने वाला सुन नहीं पा रहा तो वहाँ पे नॉइज़ क्या होगा, नेटवर्क की कमी या फिर नेटवर्क का वीक सिग्नल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। सो कोई भी अगर कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर आता है दोनों के बीच में, वो उसको आप इन्होंने नॉइज़ का नाम दिया कि नॉइज़ बेसिकली हमारे इन्फॉर्मेशन को आधा अधूरा करके सामने पहुँचाता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं विल्बर श्राम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो सर्कुलर एंड नेचर होता है। एट अ सेम इंस्टेंट दो इंसान बातों को डिकोड एनकोडिंग के थ्रू कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, जैसे कि शैनन वीवर ने बोला था कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के बीच में नॉइज आ जाता है, बट इन्होंने बोला कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है, जिसमें मैसेज अगर ये एक सोर्स है तो ये एक रिसीवर है, बाद में जब यही इंसान अपनी बात को रिवर्स करेगा तो ये एक सोर्स बन जाएगा, ये एक रिसीवर बन जाएगा। जब मैसेज यहाँ से गया तो इन्होंने एनकोड करके, इंटरप्रेटर ने फिर उसको आगे डिकोड करके मैसेज पहुँचाया, तो यहाँ पे जब अगेन इसने आगे कम्युनिकेशन करा तो ये यहाँ से अपने मैसेज को एनकोड करके सामने वाले इंसान को इंटरप्रेटर के थ्रू डिकोड कर सकता है। तो सेम इंस्टेंट पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सर्कुलर इन नेचर है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। इसके अलावा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।